कल दिल्ली में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी का संकल्प पत्र यानी मोदी युडे गारंटी। मोदी युडे गारंटी नेक्स्ट 5 ईयर्स में भारत वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। मोदी युडे गारंटी भारत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंटर बनेगा। मोदी युडे गारंटी भारत स्पेस सेक्टर में गगनयान जैसी मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट हासिल करेगा। मोदी युडे गारंटी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को मिलना जारी रहेगा और इस सबके साथ ही गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर भी बनेंगे। 70 ईयर्स के ऊपर के हर सिटीजन को फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा मिलेगी और 10 करोड़ बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम आईटी, हेल्थ, टूरिज्म, रिटेल और ऐसे अन्य सेक्टर्स की ट्रेनिंग देंगे। यानी बीजेपी के डेवलपमेंट विजन में केरला के हर वर्ग, हर समाज के लिए एक व्यापक रोड मैप मौजूद है। किसानों की आमदनी डबल करूंगा, ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीज़ें आकाश को पहुँचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया, वो क्या बोलते, ट्रेलर बोलते थे वो, तो उस ट्रेलर में ना डीजल की कमी दिखा रही, ना पेट्रोल का दिख रहा है, ना और किसी गैस का, कुछ भी नहीं है, क्या है। और इसने आके इतना बढ़ा दिया कि किसी सरकार ने छोटे से टेन्यूअर में सैकड़ों रुपए नहीं बढ़ाया। और यह आदमी जो 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका, ये सब उदाहरण है आपके पास, तो उसी की फिर मैनिफेस्टो देखना ये और उसको विश्वास करना, ये ठीक नहीं है। और इससे ये साबित होता है कि लोगों के लिए उन्हों कुछ देने के लिए उनके पास नहीं है, सिर्फ बाकी के बात, पीछे के बातें कुछ बोलकर। और कोई मैनिफेस्टो में ये कहता है कि मैं इतने किलोमीटर रोड बनाया, इतने किलोमीटर मैंने ये किया, और अरे जो असल चीज़ है, लोगों के पेट भरने के लिए आपने क्या किया।